आपका क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो आपका फिगर है, इस फिगर में क्या क्या चीज बोला गया है कि आपका रेडियाई है, ठीक है, क्या है 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर ये छोटा वाला जो है ये रेडियाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बड़ा वाला जो है यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये जो रेडियाई है ये आपका है टोटल यहां से यहां तक ये है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बताया ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 30 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपका ये क्या है सेक्टर, तो इसमें आप क्या करोगे बड़ा वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दोगे, ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, वही हम यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा टीटा बाय 360, टीटा कितना दिया है 30 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि ये इसी सेक्टर में भी 30 डिग्री रहेगा, बड़ा सेक्टर लोगे तो भी 30 डिग्री रहेगा, तो हम लिखेंगे 30 बाय 360 डिग्री इनटू पाई, कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, तो हम लिखेंगे 22 बाय 7 इनटू आर, बड़े सेक्टर का क्या है 21, तो हम लिखेंगे 21 इनटू 21, है ना, साइड स्क्वायर या आर स्क्वायर, तो वो हमने लिख दिया माइनस सेम एरिया 30 बाय 360 डिग्रीज इनटू 22 बाय 7 इनटू, अब छोटे वाले सेक्टर का रेडियाई क्या है 7, तो 7 इनटू 7 कट करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ये कट करोगे तो यहां पर आएगा आपका 12, ठीक है, ये कट करोगे आपका आएगा 3, 3 से कट करोगे ये आएगा आपका 4, ठीक है, 4 2 से कट होगा 2 और ये आएगा आपका 11, तो अब नहीं कट हो रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं 11 इनटू 21 बाय 2, ठीक है, माइनस अब इसको कट करेंगे ये 1 ये 12, ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, कट करते हैं हम 6 आ गया, ये 11 आ गया, अब इधर हो गया हमारा 11 इनटू 7 बाय 6, ठीक है, अब 21 इनटू 11 यहां करके देखो क्या हो रहा है 21 इनटू 11 आपका आएगा 1 3 2, तो यहां का आ गया आपका 2 3 1 बाय 2 माइनस 77 बाय 6 दैट इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे हमारा एलसीएम आएगा 6, ठीक है, अब हम करेंगे 231 1 इनटू 3 माइनस 77, 231 इनटू 3
क्या आएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। तो आपका आया है 693 माइनस 77 बाई 6। तो माइनस 77 यहाँ पर ही करके देखते हैं हम, क्या आएगा हमारा, 13 में 7 गया 6, 8 में 7 गया 1 6, 6 1 6, है ना। तो 6 1 6 बाई 6, ये अभी हमारा 2 से कट हो रहा है, हम इसको कट करेंगे 3, इसको कट करेंगे, ये आएगा आपका 308, दैट इज इक्वल टू 308 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका शेडेड रीजन है। आपका क्वेश्चन है ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपका फिगर, ये वाला फिगर जो है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान से सबसे पहले बताया उसने ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, ए बी एंड सी इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या है ये क्वाड्रेंट, यानी ये कितना होगा आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। ये तो क्वाड्रेंट हो गया आपका ए से बी, बी से यहां पर एक पॉइंट रखो, सपोज द पॉइंट इज डी, ठीक है। तो क्वाड्रेंट आपका बना ए बी डी सी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया। दूसरा इसने कहा एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी, जो ये बी और सी है ये इसका डायमीटर है एक सेमी सर्कल का, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल है ऊपर से, ये सपोज ई, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें दो चीज है आपका, एक है सेक्टर, क्या है आपका, एक है सेक्टर, वो भी कौन सा वाला है, क्वाड्रेंट, ठीक है। वो क्या है आपका, ए बी डी सी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या चीज है आपका, बी सी और ई, ये आपका क्या है, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला जो कि क्वाड्रेंट जो है क्वाड्रेंट से बाहर है, है ना। तो आपको क्या करना है इसको निकालने के लिए, सबसे पहले तो हम करेंगे क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तब हमारा ये वाला पोर्शन निकल के आएगा, व्हाइट वाला, ये वाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें ये वाला माइनस करेंगे, हमको ये मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहला स्टेप, स्टेप वन में हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सेक्टर माइनस ट्रायंगल आपका क्या हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया ये। दूसरा स्टेप टू में क्या करना है आपको, स्टेप टू में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब बी सी ई मैंने यहां पर सर्कल लिखा है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये क्या है आपका, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल,
गलती से मैंने सर्कल लिख दिया था, ठीक है। अब इसको हम करना शुरू करेंगे, हमको पहले वाले का क्या निकालना है, सेगमेंट है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर में ये क्या है 90 डिग्रीज, ठीक है, तो 90 डिग्रीज, तो 90 बाई 360 डिग्रीज इंटू पाई कुछ नहीं दे रखा है तो 22 बाई 7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर रेडियस, रेडियस दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इंटू 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, हाफ हाइट, हाइट कितनी है, सेम है 14 है ना, ये भी तो 14 हो जाएगा, यहां से यहां तक रेडियस ही तो है उस सेक्टर का, तो ये 14 है, ये भी 14 है, इंटू 14 हाइट हो गया और बेस भी हमारा 14 है, इसको हम कट करेंगे, ये आएगा हमारा 1/4, ये कट करेंगे 2 आएगा, 2 कट करेंगे 2 आएगा, 2 कट करेंगे ये आपका क्या आएगा 7, तो 7 इंटू 22 क्या होता है 154 माइनस, ये कट करेंगे 7 जा 7 इंटू 14 कितना होता है हमारा 98, ठीक है, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 जा 7 प्लस 2 98, 154 माइनस 98 कितना होता है आप करके देखिए, 154 माइनस 98, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन आपके लिए करके दे रहा हूं, 14 माइनस 8 6, इधर बचा 4, यानी 14 माइनस 9 इज 5, 56, दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका स्टेप वन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब दूसरा है हमारा इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल निकालना है हमको, तो सेमी सर्कल में एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, तो हम वही लिखते हैं, तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई यानी 22 बाई 7 इंटू 2 यानी हाफ है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 उसलिए 2 ये है इंटू आर स्क्वायर, अब आर हमारा कितना है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो हमारा निकलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196 हमारा टोटल कितना हो गया ये 66 12 1 कैरी 18 प्लस 1 9 19 प्लस 1 1 कैरी 2 प्लस 3 इज बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब 392 के फैक्टर्स निकालेंगे, अब हम इसके 392 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आपका आएगा 2 इंटू 196 है ना, इस टाइप के फैक्टर्स निकलेंगे, तो हमको मालूम है कि 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर है ना, तो हमारा आएगा BCE इज इक्वल टू 14 रूट 2, 14 रूट 2 हमारा BCE निकला 14 रूट 2, ठीक है। तो अब R कितना निकला इसका, ये तो पूरा डायमीटर निकल गया, ये हमारा डायमीटर है, तो R कितना निकलेगा हमारा 7 रूट 2, ठीक है। सेम चीज हम इसमें पुट करेंगे अभी, तो हमारा क्या आएगा 22
by 7 into 2 into 7 root 2 into 7 root 2. कट करेंगे 7 से 7 कट, 2 से 22 कट, ये आ गया 11. तो हमारा क्या आया जो आ रहा है वैल्यू वो हम लिख लेते हैं, 11 into root 2 into 7 root 2. ठीक है, आ गया. तो अब करेंगे हम 11 into 7 77, 77 into 2, 77 into 2 कितना हो रहा है हमारा, करके देखो, 77 into 2 हमारा आ रहा है 154. तो वही चीज हम लिख देते हैं यहां पर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आया एरिया ऑफ अ सर्कल. तो सर्कल ये आ गया और सेगमेंट का एरिया ये आ गया, तो हमारा क्या आना चाहिए, शेडेड पोर्शन. तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू 154 माइनस 56 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका शेडेड रीजन रहेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए मैं इसके आगे स्टार मार्क लगा रहा हूं. आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, तो ये फिगर आपका दिया हुआ है. तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि टू क्वाड्रेंट्स हैं. ठीक है, तो टू क्वाड्रेंट का हम एरिया निकालेंगे. तो सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे करके एक क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री का होता है. ठीक है, और ये क्वाड्रेंट बन गया, इसके बीच में ये एक ट्रायंगल है, ये आपका शेडेड रीजन दिया हुआ है. ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट जो है वो हमारा उसने कैसे बनाया है, ऐसे करके ऐसे बनाया है, और ये क्वाड्रेंट है ना, और ये शेडेड रीजन है. ठीक है, आपको ये दोनों के एरिया निकालने हैं, है ना, ये भी 90 डिग्री है, लग रहा है ऐसा कुछ. ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, उसने ये भी बताया कि दोनों सेम है, और रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर. तो ये क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, सब जगह 8 हो जाएगा. ठीक है, 8. अब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो क्वाड्रेंट इस तरह से उसने जॉइन कर रखे हैं, ये आके इधर जॉइन हो जाएगा, ये आके इधर जॉइन हो जाएगा, है ना, इधर जॉइन हो गया, ये आके इधर जॉइन हो गया. जब ये दोनों जॉइन हो जाएंगे तो दूसरा एक इधर बन के आ जाएगा. अब हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये एरिया निकालने के लिए ये क्या है, इट्स अ सेक्टर माइनस ट्रायंगल गिव्स यू सेगमेंट. ठीक है, तो ये सेगमेंट निकल के आएगा. तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालने हैं आपको, वो भी टू. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या देगा, एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट देगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इनटू टू कर देंगे, तो हमारा ये एरिया निकल के आ जाएगा. ठीक, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे. तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है हमारा,
है, और हमको ये याद रखना है कि सेक्टर इज अ क्वाड्रेंट, यानी 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है ना, मैंने आपको बताया है ये 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्री बाई 360 कितना होता है, 1/4, 1/4 हो गया, इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 8, तो 8 × 8 कट करेंगे हम तो 1/2 हमारा इधर आएगा, 44 × 8/7, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा, माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमारा कैसा है, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होगा, हमारा हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो 1/2 × 8 × 8 कट करेंगे, हमारा आएगा -32, आ गया आपका, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, करके देखो, 8 × 4 = 32, 3 carry 32 + 3 = 35/7 - 32, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल के करेंगे हम, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 7, तो ये आएगा आपका 352 - 14, 1 carry 21 = 22। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा 352 and 224, माइनस करो, 8 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1, 128/7, तो हमारा आया 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये निकल के क्या आया आपका, एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने बोला कितने सेक्टर हैं, 2 सेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा आपका 2 8 जा 16, 1 carry 2 2 जा 4 + 1 5, 2 1 जा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन है 2 सेगमेंट्स का।